आपका टायर पंचर है जी? मेरा मतलब है आपकी गाड़ी का टायर पंचर है। जब आप शक भरी नजर से देखती हैं ना, तो वाकई बहुत खूबसूरत लगती हैं। पर आपका शायद गलत नहीं, पंचर मैंने ही किया है। लगता है बारिश गिरने वाली है। देखिए सुनिए, गीली मिट्टी की खुशबू में कितना मिठास है ना। देखिए इस रोमांटिक वेदर में अगर आप मेरे साथ सिर्फ एक खुट्टा खा लेना तो वाकई बहुत मजा आएगा। और अगर आप चाहती हैं उसके बाद हम चाय भी पी सकते हैं। प्लीज प्लीज। देखिए ये एक ही तो तरीका है कि आप और मैं एक दूसरे को और अच्छी तरह जान सके। सुनीति, मेरा नाम अभय आहूजा है और मेरी पहचान I love you। क्या आप लव का मतलब तो जानते हैं? जानता हूँ, इसलिए जब मौका मिलता है कह देता हूँ। पर I don't। मैं जानता हूँ, पर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मुझे जानती नहीं ना, इसलिए। और जानना भी नहीं चाहती। वो भी जानता हूँ, पर देखिए ना, आपकी गाड़ी का टायर तो मैंने ही पंचर किया ना। कम से कम मैं इसे रिपेयर तो कर लूँ, बस 2-5 मिनट लगेंगे। लेकिन मेरे पास स्टेपनी भी नहीं है। अब आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास गाड़ी है। वो देखिए, वो मेरी ही गाड़ी है। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। I can drive. पर अगर बारिश आ गई तो? ये तुमने क्या किया सुनीति? अपनी कार तुमने उस आई लव यू को दे दी और उस आई लव यू की कार खुद ले आई। चीजू, उसका नाम आई लव यू नहीं है, उसका नाम अभय। अभय अच्छा नाम है। सरनेम क्या है? नहीं पता दीदी, नहीं बताया उसने मुझे उसका सरनेम। फिर तो उसने अपना नाम भी सही नहीं बताया होगा। क्या मतलब? मतलब ये मिस सुनीति वर्मा कि ना तो आप उसका नाम जानती हैं, ना तो आप उसका पता जानती हैं। मतलब ये कि कार लेके भाग चुका है वो। क्यों क्यों क्यों? उसकी गाड़ी भी तो है सुनीति के पास। वो खटारा जो बाहर पार्क है। सुमन तुम उसे गाड़ी कैसे कह सकती हो? चीजू आप एक बात भूल रहे हैं, मेरे पास उसका फोन नंबर है। वो नंबर भी किसी पीसीओ का होगा, यकीन नहीं आता ना, तो फोन करके देख लो। चीजू अगर कल सुबह तक वो गाड़ी लौटाने नहीं आएगा ना, तो मैं उसे फोन कर लूंगी। ठीक है? मुझे तो पूरा यकीन है कि वो गाड़ी लेकर आएगा। तुम कैसे कह सकती हो? अगर उसे आना होता ना तो कब का आ गया होता। गई कार। डोंट वरी, आएगा वो। नहीं आया तो? माँ आप सो जाइए, आराम कीजिए, वो अब आते ही होंगे। बेटा तरुण तुमसे कह के क्या था कि वो घर आकर ही खाना खाएगा? नहीं कहकर तो नहीं गए थे, लेकिन उनके पास पैसे भी तो नहीं थे। लगता है वो आ गया। नमस्ते रोहिणी। अरे आप जैस्मिन। नमस्ते रोहिणी जी। नमस्ते। हाय विनी। ये तेरे माथे पर क्या हुआ? ये वो कुछ नहीं, मैं बाथरूम के दरवाजे से टकरा गई थी। अच्छा। जैस्मिन बैठी है ना, आप क्या लेंगे? नहीं नहीं बस कुछ नहीं। आप सोच रही होंगी कि मैं अचानक इस वक्त कैसे आ गई। हाँ वही मैं भी पूछने वाली थी। मैं तुझे लेने आई। क्या? अरे भाई वो शादी के बाद लड़कियां मायके जाती हैं ना फेरा डालने के लिए, मैंने सोचा इसे ले जाने के लिए आपकी परमिशन ले लूं। भाई वो तो इसके हस्बैंड से ही पूछो। मुझे पता था, इसीलिए इस वक्त आई हूँ, क्योंकि तरुण भी घर पर मिलेगा। कहाँ है वो? वो तो मुझे कभी नहीं रोकेंगे जैस्मिन, खुशी खुशी जाने देंगे मुझे तुम्हारे साथ, और फिर कभी नहीं आएंगे मुझे लेने, कभी नहीं। जानती है मिनी, मैंने भी कभी ये ख्वाब देखा था,
मिसेस विजय सिंघानिया बनने का ख्वाब। मिसेस सिंघानिया बन के इस बंगले में रहने का ख्वाब। खैर वो ख्वाब तो कभी पूरा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इस बंगले की मालकिन मैं सही, कम से कम तेरी मेहमान बन के तो यहाँ रह सकती हूँ। तरुण को अच्छा नहीं लगेगा जैस्मिन। मैं जानती हूँ, लेकिन कम से कम मेरे यहाँ रहने से ये तेरा बाथरूम के दरवाजों से टकराना तो बंद हो जाएगा। मतलब आप समझ गई? और नहीं तो क्या, मैं रोहिणी के सामने जानबूझ के कुछ नहीं बोली, क्योंकि कोई माँ अपने बेटे की बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाती है। माँ जी इसी वजह से तो ऑफिस भी नहीं जा रही है, घर पर ही रह रही है, सारा बिजनेस शीतल के हवाले कर दिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ रहूंगी तब तो वो ऑफिस जाएंगी ना। सुनीति हाँ, तो अब तक गई नहीं ऑफिस? दीदी वो कार लेके नहीं आई अभी तक, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तो फोन करना, उसे नंबर होगा ना तेरे पास? मेरे पास कोई नंबर वंबर नहीं है उसका दीदी। तो जीजू से क्या बोल रही थी, इतनी तरफदारी क्यों कर रही थी उसकी? मैं उसकी तरफदारी कर रही थी? अरे दीदी आप ही तो उसकी साइड ले रही थी, मैं कुछ नहीं कह रही थी उसके बारे में। सुनीति मुझे उसके बारे में उतना ही पता है जितना तूने मुझे बताया, एंड अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन मुझे सारा मामला बड़ा रोमांटिक लगता है। रोमांटिक? और नहीं तो क्या, फोन करना, फिर फूल भेजना, और ये गाड़ी का टायर पंक्चर करना। हाँ, और फिर गाड़ी चुरा ले जाना। दीदी आप भी ना, लेकिन दीदी आई कांट फेस जीजू, मैं जा रही हूँ। अरे लेकिन वो ना कर आएंगे, तेरे आई लव के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूँ? अरे हाँ तो कुछ भी बोल देना दीदी, बोल देना कि हाँ उसको बोल देना कि फोन आया था उसका और वो मुझे ऑफिस में मिलने आ रहा है। दीदी प्लीज बाय दीदी। अरे सुनीति बाय दीदी। मतलब सुबह सुबह मैं अपने पति से झूठ बोलूँ? वेरी नाइस। सुमन हाँ आया? कौन आया? आई लव यू। हाउ स्वीट, आज सुबह सुबह तुम मुझे आई लव यू कह रहे हो? मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ आई लव यू। क्या, तो फिर किससे कह रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ओहो जानू, तुम जानती हो कि मैं सिर्फ तुम ही से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम ये भी जानती हो कि मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहे हो? यही कि वो मिस्टर आई लव यू हमारी कार लौटाने आया कि नहीं। ओ, तुम अभय के बारे में बात कर रहे हो? तो ऐसा कहो ना, उसका फोन आया था। फोन आया था? हाँ हाँ, उसने कहा कि वो गाड़ी ऑफिस पहुंचा देगा। लेकिन मैंने तो फोन की बेल नहीं सुनी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं तुम तो सच कह रही हो, लेकिन फिर ये दरवाजे पे कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? तुम कौन हो? अभय, मेरा नाम ही अभय है। अभय, तुम यहाँ कैसे? अरे गाड़ी लौटाने है। लेकिन तुमने तो फोन पे कहा था कि तुम सुनीति के ऑफिस जा रहे हो गाड़ी लौटाने। हाँ सुनीति ने यही कहा था मुझसे। अच्छा हाँ, मैंने फोन जरूर किया था, पर मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि ऑफिस जाने से पहले मैं घर नहीं आऊंगा। हाँ। तुम घर क्यों आना चाहते थे? आपसे मिलने। मुझसे? अब आपसे भी सुमन दीदी। तुम हम दोनों को जानते हो? अरे भाई जानता कैसे नहीं हूँ, आखिर आप ही ने तो वो फूल लगाया था सुनीति के बालों में जो मैंने भेजा था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बेशर्म हो? जीजू बेशर्मी तो तब होती जब मैं अंदर आता इत्मीनान से बैठता और कहता एक कप चाय मिलेगी। मैं अभी लाई। सुमन दरअसल ये कहना चाहते हैं कि मेरे साथ चाय ये भी पिएंगे। नाश्ता नहीं करोगे? अब अगर आप जबरदस्ती कर रहे हो तो नाश्ता भी कर सकते हैं। क्या खाना चाहोगे तुम? दीदी चाय के साथ अगर गर्म पकौड़े मिले तो मजा आ जाए। तुम इनके साथ बैठ के बातें करो, मैं अभी बना कर लाती हूं। शुक्रिया। आइए ना जीजू, आइए अंदर आइए। तशरीफ रखिए। नाम क्या है तुम्हारा? बता तो दिया, अभय। पूरा नाम बताओ। अभय आहूजा। और अब आप पूछेंगे कि मैं करता क्या हूं, तब पूछे ऐसे मामलों में पूछना बिल्कुल जायज है। कैसे मामलों में? कैसे मामलों में? ऐसे कैसे? अब प्लीज समझ लीजिए ना जीजू। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि तुम इतना ओवर फैमिलियर होने की कोशिश क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं इंप्रेस होने वाला नहीं। फिर भी कोशिश तो कर सकता हूँ ना। करते रहो। ये बिना बात मैगजीन, गरम गरम पकौड़े, चाय, वाह मैं तो वाकई बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी जीजू, एक्चुअली जब मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ ना तभी ऐसी अजीब हरकतें करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं चलता हूँ जीजू। नमस्ते। नर्वस कहाँ गया भाई? चला गया। तुमने उसे जाने को कहा? सुमन मैं घर आए मेहमान को कभी जाने के लिए नहीं कहता, ये तुम जानती हो। वो तो थोड़ा
नर्वस हो गया था. नर्वस? हाउ क्यूट. व्हाट क्यूट? गाड़ी की चाबी भी ले गया. अरे ये तो अपनी गाड़ी के पास लगती है. तो तुम पत्रकार हो? जी हाँ. रूपाली ने भेजा है तुम्हें. आपको याद है मास्टर जी, एक बार आप रूपाली से किसी स्टूडियो में मिले थे और आपने उसे देखते ही पहचान लिया था कि वो शिफाली की बेटी है. याद है मुझे, अच्छी तरह याद है. वो तो मैं अपना लास्ट सॉन्ग पिक्चराइज कर रहा था. हालांकि उस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी गाना होगा. पैकअप करके निकला, गाड़ी में बैठा और घर पहुंचा और ये कम वक्त सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाया. मेरी टांगों ने जवाब दे दिया और बैठा दिया मुझे इस कुर्सी पर हमेशा के लिए. और फिर काम मिलना भी बंद हो गया. ये इंडस्ट्री ऐसी है बेटी कि मुझे 2 साल में सबने बुला दिया, लेकिन मुझे याद है, मुझे सब याद है. तो फिर मास्टर जी, आपको शेफाली जी याद होगी ना? कौन शेफाली? रूपाली जी की माँ. हाँ, याद है मुझे. रूपाली मुझे मिली थी तो मैं देखते ही पहचान गया था कि ये शेफाली की बेटी है. भाई तो मैं कह रही मास्टर जी, शेफाली जी आपकी आपकी डांस ग्रुप में डांस क्या करती थी ना? बेटी, मेरे ग्रुप में डांस करने के लिए तो लड़कियां तरसती थी. बहुत मुश्किल होती थी सेलेक्ट करने में, किसे काम दूं और किसे काम न दूं. लेकिन लेकिन शेफाली जी आपकी हर डांस में डांस करती थी ना? कौन शेफाली? ओ, रूपाली की माँ. हाँ, वो बहुत ही काबिल और बड़ी अच्छी डांसर थी. बेचारी. बेचारी? बेचारी क्यों? अब बेचारी नहीं तो और क्या कहूं उससे. वो इतनी टैलेंटेड थी कि एक बार जो स्टेप मैं बता देता था वो फौरन पिकअप कर लेती थी. जिस स्टेप को सीखने के लिए हीरोइन को 8-8, 10-10 दिन लग जाते थे, शेफाली कुछ मिनटों में ही उसे पिकअप कर लेती थी. वो तो हीरोइन मटेरियल थी, हीरोइन मटेरियल. अच्छा, तो फिर वो हीरोइन क्यों नहीं बनी? वही तो बता रहा हूं मैं तुम्हें. एक बार समझा बुझाकर प्रोड्यूसर को मैंने तैयार किया और शेफाली का सोलो डांस रखा उनके सामने. बड़ा हिट गाना था वो, याद है मुझे, टिक 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 मेरा दिल बोले. बहुत अच्छा डांस किया उसने. रिहर्सल्स हो गई, डांस तैयार हो गया, कपड़े सिल गए, कल शूटिंग है और आज वो मुझसे कहती है कि मास्टर जी मैं ये डांस नहीं करूंगी. क्यों? वो डांस क्यों नहीं करना चाहती थी? वही पूछा मैंने उससे और उसने जो जवाब दिया मुझे आज भी याद है. उसने कहा कि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा. उन्हें? कौन उन्हें? वही जो एक बड़ी सी मोटर गाड़ी में उसे छोड़ने आता था और उसे ले जाता था. लेकिन वो था कौन? भगवान जाने कौन था, मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी. लेकिन था वो कोई रईस आदमी. क्या तोहफे देता था वो शेफाली को, कभी सोने का हार, कभी हीरे की अंगूठी और एक बार तो उसने बहुत बड़ा तोहफा दे दिया, एक बच्चा. बच्चा? हाँ, यही तुम्हारी रूपाली.
तो फिर इसका मतलब है कि रूपाली के पिता एक रईस आदमी थे? इसमें कोई शक नहीं, तभी तो उसने न तो शेफाली से शादी की और न रूपाली को अपना नाम दिया। और बेचारी शेफाली गुमनामी के अंधेरे में खो गई। तो मतलब आप ये नहीं जानते कि वो आदमी कौन था? बिल्कुल नहीं। ये सभी अमीर एक जैसे ही होते हैं, अपनी अमीरी के जाल में नौजवान लड़कियों को फंसाते हैं, उन्हें प्रेग्नेंट करते हैं और उन्हें अपने हाल पर छोड़ देते हैं। बेचारी शेफाली तो इतनी बदनाम हो गई थी कि उसे अपना घर तक छोड़ना पड़ा। तो मास्टर जी, आप मुझे शेफाली के घर का एड्रेस दे सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, वो सात रास्ता है ना, वहीं पर एक घर है, उसमें रहती थी। बिल्डिंग का नाम मुझे याद नहीं आ रहा।